मंत्रों का उच्चारण शुरू कीजिए पंडित जी। कसम से मुन्मुन, आज ये शादी हो गई ना, ये पूरा बागची अंपायर मेरी है। हमारी हमारी मुट्ठी में होगा। पंडित जी प्लीज मंत्र को उच्चारण शुरू कीजिए आप, और ऐसे मंत्र पढ़िए कि हमारे प्यार का गठबंधन कभी टूट ना पाए। शुरू कीजिए आप। भाई माँ तो आखिरकार माँ ही होती है, और अगर बेटा तेज है तो माँ भी उससे ज्यादा तेज होती है। मैं दरअसल बात कर रही हूँ कलर्स चैनल पर आ रही सीरियल लीजा की। वेल हाय गाइस, मैं हूँ जानवी, वेलकम करती हूँ आपका चैनल की तरफ से। बात हो रही है सीरियल नीजा की, जहां पर अभी नीजा से शादी करके उसे घर लेकर आ जाता है। ऑब्वियसली बात है, अब नीजा का कोई नहीं है, अबीर इसीलिए उससे शादी भी कर लेता है, और वैसे भी अबीर उससे प्यार तो करता ही था, लेकिन फिर भी अपने घर वालों के कहने के बाद वो त्रिशा से शादी कर रहा था। और त्रिशा से भी क्लियर कर चुका था कि देखो मैं तुमसे प्यार तो नहीं करूंगा, घर वालों के चलते ही मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। अब क्योंकि नीरजा की मॉम का देहांत हो गया, नीरजा का कोई नहीं था, तो अबीर को इस समय वही सही लगा। अभी जो है नीरजा को शादी करके घर ले आता है। घर वाले मानते नहीं है कि ना ही हमारे सामने हुई है, ना ही कोई रीति रिवाज से हुई है। तो यहाँ पर अबीर घर वालों के सामने, जो कि त्रिशा और अबीर का मंडप सजा होता है, वहीं पर अपनी और नीरजा की फिर से शादी कर लेता है और कहता है लो भाई अब तो शादी हो गई है। लेकिन फिर भी जो अबीर के पापा हैं वो कहते हैं भाई हम तो इस शादी को नहीं मानते, तो तुम एक काम करो इस घर से चले जाओ, या तो तुम नीरजा का साथ छोड़ दो या तुम इस घर से चले जाओ। अबीर कहता है देखो भाई मैं नीरजा का साथ तो छोड़ नहीं सकता, तो मैं इस घर से ही चला जाता हूँ। मौसमी आती है और कहती है रुक जाओ अबीर, अब जो है हम तुम्हारी बात मानेंगे, तुम जो है इस लड़की को घर में लेकर रह सकते हो। यहाँ पर नीरजा की रस्में होती है, गृह प्रवेश होता है, लेकिन इसके बाद मौसमी कहती है लेकिन मेरी भी एक शर्त है। नीरजा किस शर्त पे रहेगी, कौन सी मौसमी की शर्त है, वो तो आने वाले एपिसोड में पता लगेगा। फिलहाल तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।